हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? यदि आप हैं बिहार बोर्ड के क्लास टेंथ और ट्वेल्थ के स्टूडेंट और आपने अभी परीक्षा दी है, तो ये खबर आप ही लोगों के लिए है कि बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए आई अच्छी खबर। लौट रहे हैं शिक्षक मूल्यांकन में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि शिक्षकों ने मूल्यांकन कार्य करने से मना कर दिया था, तो ऐसी परिस्थिति में बिहार सरकार और बिहार बोर्ड ने कुछ अच्छे कदम उठाए हैं आप लोगों के भविष्य को देखते हुए। तो चलिए देखते हैं क्या है खबर। तो इस वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखें और इसको लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्या है हमारा खबर। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे खबर आप लोग का आ गया कि जब बिहार बोर्ड ने लिया यह फैसला तो लौटकर आने लगे शिक्षक। बिहार बोर्ड वर्ग 10 और 12 के छात्रों के लिए अच्छी खबर। यानी कि जब बिहार बोर्ड ने एक फैसला लिया तो वर्ग 10 और वर्ग 12 के छात्रों के लिए एक अच्छी खबर आई है। क्या है अच्छी खबर, उसको हम देख लेते हैं। इसमें क्या है लिखा गया है कि बिहार बोर्ड ने अनुपस्थित शिक्षकों पर FIR करने का निर्णय लिया, तो शिक्षकों में खलबली मच गई और वे मूल्यांकन कार्य में लौटने लगे। यानी कहने का मतलब, जब उन्होंने मूल्यांकन कार्य करने से इनकार कर दिया था तो बिहार सरकार और बिहार बोर्ड ने मिलकर उन सभी शिक्षकों पर FIR करने का निर्णय लिया था, जिसके बाद सभी शिक्षक वापस लौटने लगे हैं। और अब जाकर के अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब आप लोगों का मूल्यांकन जल्द से जल्द हो जाएगा और रिजल्ट भी सही समय पर आ जाएगी। आगे क्या लिखा गया है कि मामला क्या था, ये भी हम लोग जान लेते हैं कि जब मूल्यांकन का बहिष्कार शिक्षकों ने किया तो बोर्ड ने लिया था उन पर कार्रवाई करने का फैसला। जब वो कार्रवाई करने का फैसला लिया गया तब जा कर के शिक्षकों में थोड़ी जागरूकता उत्पन्न हुई और आप लोगों की भविष्य की बात भी उनको समझ में आई, तब जाकर के उन्होंने फैसला लिया है कि अब वे लौट आएंगे मूल्यांकन कार्य में। तो चलिए दोस्तों, ये थे खबर। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दे, इस पर कमेंट कर दे और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। धन्यवाद।